चलिए बच्चे बढ़िया सभी लोग ठीक है। अभी आज हम लोग एक नया चैप्टर जिसका नाम है हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन करने वाले ठीक है। और इसी के साथ जो लास्ट चैप्टर हम लोग ने करा लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके हिसाब से फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आज से बायोलॉजी में एंट्री मारेंगे ठीक है। तो बायोलॉजी में जो सबसे पहला है लास्ट से वो क्या है, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन ठीक है। देखिए सबसे पहले जानेंगे, वैसे तो इवोल्यूशन कटा हुआ है सिलेबस में है नहीं इवोल्यूशन, तो हम लोग बस हेरेडिटी और कुछ पार्ट, बहुत माइनर सा पार्ट हमको इसमें से इवोल्यूशन में जाना है, बहुत माइनर सा पार्ट। ओके चलिए सबसे पहले बात करते हैं हेरेडिटी क्या होती है। तो हेरेडिटी एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर क्या होता है कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं ठीक है, पेरेंट जो कैरेक्टर हैं वो उनके यंग वन में चले जाते हैं। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, हेरेडिटी ठीक है। अब जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उन कैरेक्टर का एक नाम रखा गया है बायोलॉजी के हिसाब से, जिनको बोलते हैं ट्रेट। क्या बोलते हैं उनको, ट्रेट ठीक है। ट्रेट मतलब कैरेक्टर, ट्रेट मतलब कैरेक्टर। तो अब ट्रेट होते कितने प्रकार के, तो ट्रेट होते हैं दो प्रकार, कौन कौन से देखो मैंने इसको मेंशन नहीं किया है ना, आप लोगों ने नहीं बताया था फिर भी मेरे को याद आ गया। ट्रेट मतलब कैरेक्टर, और ट्रेट कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक है एक्वायर्ड और एक है इनहेरिटेड, है ना। एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब होता है कि ऐसे कैरेक्टर जो आपने सेल्फ डेवलप किए हैं, अपने आप से डेवलप किया है। जैसे हम आर्यन के एग्जाम्पल देखें, आर्यन के पास एक टैलेंट है पेंटिंग करने या फिर स्केचिंग करने, और ये टैलेंट उसके फैमिली मेंबर में से नहीं मिला है, ये इसने खुद से मेहनत करके उस पे टाइम दे के क्या किया है, सीखा है ना। तो दैट इज नोन एज एक्वायर्ड। तो अगर मान लो आर्यन का लड़का लड़की होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको भी पेंटिंग या स्केचिंग आए, कोई जरूरी नहीं। क्यों, क्योंकि वो विरासत नहीं है, वो जीन्स में नहीं है, वो कैसे आई है, सीख प्रैक्टिस कर। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इनहेरिटेड का मतलब जो पेरेंट से ट्रेड क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें हम लोग, तो पेरेंट से कौन कौन से, तो जैसे कभी कहते हैं पेरेंट्स के जो बाल होते हैं वो घुंघराले हो गए तो बच्चे के भी बाल घुंघराले होने के चांस होते हैं। किसी किसी के पेरेंट्स के जो कान होते हैं वो चिपके होते हैं ईयर लॉब, तो उनके बच्चों के भी ईयर लॉब चिपके होने के आसार होते हैं। तो ये सब कैरेक्टर है। एक और चीज है ब्लू आईज, बहुत सारे पेरेंट्स के ब्लू आईज में जो होता है ना प्यूपिल, वो कैसा होता है, ब्लू कलर का ऐसे दिखता है, ये भी एक क्या है, कैरेक्टर। और इसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, समझ आया ना। ट्रेट आपको समझ आया, दो तरह के होते हैं, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। अब ये चीज हो गई, तो हेरिडिटी कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब भी ट्रेट यानी इनहेरिटेड हो, पेरेंट से ट्रांसफर हो, उस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, हेरिडिटी बोलते हैं। ओके नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है, तो जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम जीन्स से रिलेटेड बातें सीखते हैं। जीन्स का मतलब कि हमारे बॉडी में सेल होता है, सेल में क्या होता है, अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में अंदर दो आइटम मौजूद होते हैं, एक को कहते हैं डीएनए और एक को कहते हैं आरएनए। सुने हैं, डीएनए का मतलब होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल लॉन्ग नेम हमें रखना, डीएनए का भी आरएनए का भी।
और आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का काम होता है, डीएनए जस्ट लाइक अ पेन ड्राइव, पेन ड्राइव समझते हैं, पेन ड्राइव का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना। वैसे ही डीएनए का काम क्या होता है, डाटा को स्टोर करना, बशर्ते वो डाटा फिल्म और मूवी नहीं होती है, वो होती है हमारे ट्रेट्स, हमारे कैरेक्टर्स, जो पेरेंट्स से यंग वन में क्या होते हैं, ट्रांसफर। समझा? तो जेनेटिक्स हमें इसी चीज की फ्रीडम देती है, कैसे हम जाने कि डीएनए आरएनए की स्टडी कोई हम जेनेटिक्स के डिपार्टमेंट में डाल देते। ओके, चलो नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? तो वेरिएशन का सेंस है कि जैसे पेरेंट्स होते हैं ना एकदम डिक्टो, वैसे उनके बच्चे नहीं होते। ऐसा होता है नहीं, एकदम फोटोकॉपी कभी नहीं होता, कोई ना कोई उनके अंदर परिवर्तन होगा, बहुत सारी चीजों का परिवर्तन होता है उनके, ठीक है, मास का, साइज का, वेट का, उसके बाद फेशियल चेंज का, हेयर मतलब हेयर कलर, बॉडी कलर, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन देखने को मिलता है, इसे ही कहते हैं हम लोग क्या, वेरिएशन। क्लियर? समझा? और वेरिएशन कैसे होते हैं, तो इनहेरिटेड होते हैं। कैसे होते हैं? यानी कि पेरेंट से ट्रांसफर। ओके, तो इसके बाद जब वेरिएशन की बात आती है तो किसमें वेरिएशन नहीं होता है, तो यहीं पे एक शब्द आता है, क्या है ये, क्लोन। क्लोन का मतलब हम लोगों ने जब नॉर्मल क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की फोटोकॉपी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सिंगल पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वहां से शब्द आता है क्या, क्लियर हुआ क्लोन। चलिए नेक्स्ट है कि अब हेरेडिटी के अंदर एक पर्सन है जिनका नाम है मेंडल, पूरा नाम बात करें जिनको बोलते हैं ग्रिगोर मेंडल, ठीक है, ग्रिगोर मेंडल एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हम कह सकते हैं कि बॉटनिस्ट थे, और इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जीन्स के बारे में सबसे ज्यादा उन्होंने ही और सबसे पहले बताया था, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और इन्होंने सबसे पहला ये एक्सपेरिमेंट किया था हेरिडिटी का, वो अपने गार्डन में किया, उनका एक गार्डन था, बगीचा था, पता ना कि बड़े बड़े लोगों का या फिर बाहर में जो लोग होते हैं उनका एक फार्म हाउस होता है जहां पे वो खेती होती करते हैं, ठीक है, तो वहीं पे उनका एक फार्म हाउस था, फार्म हाउस पे ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। आखिर ये एक्सपेरिमेंट कैसा था, क्यों इसकी जरूरत पड़ी एक्सपेरिमेंट, तो इन्होंने देखा एक चीज कि जब भी हम कोई चीज उगाते हैं, जैसे जस्ट सपोज फसल की बात करो, अगर हम धान डालते हैं तो धान जब निकल के आता है तो उसका एक टाइमिंग होता है कि नहीं, कि धान का टाइमिंग कब होगा बताओ, तो धान का टाइमिंग है जब बरसात का टाइमिंग होता है, तो धान का टाइमिंग होता है। गेहूं का टाइमिंग कब होता है? गेहूं का होता है जब गर्मी का सीजन रहता है ना। लेकिन मेंडल ने कहा कि ऐसा जरूरी है कि सीजन के हिसाब से ही फसल होंगी, ये इनके दिमाग में बात है, फसल सालों साल क्यों नहीं हो सकती, सोचो। सर उसके अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलेगा, अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलेगा, तो इन्होंने सोचा कि हम बाहर के वातावरण को चेंज करने से अच्छा है हम इसके इंटरनल में चेंज कर दें कि हर एक वातावरण में क्या कर सके, उग सके, जिसके वजह से आप लोग नाम सुने होंगे हाइब्रिड। yes, हाइब्रिड सुने हो? हाइब्रिड लौकी आती है, लौकी ये इतने लौकी होती है, वो हाइब्रिड होती है, कहने का मतलब उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करके जेनेटिक्स की मदद से और उसको ऐसा बनाया जाता है कि वो हर एक मौसम में क्या कर सके। पहले क्या होता था कि फूल गोभी हम लोगों को बस ठंडी के टाइम में देखने को मिलती, लेकिन अभी अगर आप बाहर चले जाओ आपको सालों साल फूलगोभी मिलेगी। कहां से प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, ये इस डिपार्टमेंट।
और इसको करने के तरीका क्या है, टिश्यू कल्चर, सुना है टिश्यू कल्चर, इस तरीके से इसको अंदर हम लोग रिसर्च करके और इसको उस लायक बनाते हैं, समझ आया। तो चलो वापस आते हैं हम लोग मेंडल के वर्क पे। मेंडल ने जो वर्क दिया, जो वर्क किया वो किस पे किया, तो वो जेनेटिक्स पे वर्क किया, ठीक है, यानी कि पी प्लांट के ऊपर वर्क किया, और पी प्लांट में उन्होंने क्रॉस करवाया, ठीक है। क्रॉस करवाने के बाद कई तरह के क्रॉस करवाए, एक पैरेंटल करवाया, एक F1 करवाया, एक F2 करवाया। पैरेंटल का मतलब जब दो पेरेंट्स आपस में क्रॉस कर, उसको बोलते हैं पैरेंटल क्रॉस, ठीक है। F1 का मतलब अब जब इनके बच्चे हो जाएंगे और इनके बच्चे आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या बोलेंगे हम, F1 क्रॉस, और अब इनके बच्चे अगर आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या बोलेंगे हम, F2 क्रॉस। तो कुछ इस तरीके से तीन सीन हो गए। उसके बाद इसमें था जीनोटाइप और फेनोटाइप, ठीक। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, तो जीनोटाइप ऐसे ट्रेट होते हैं, जीनोटाइप ट्रेट एक होता है और एक होता है फिनोटाइप ट्रेट। देखो दोनों में क्या होता है, दोनों में जीनोटाइप का मतलब जो जीन्स में परिवर्तन होते हैं, जीन्स का मतलब जैसे कि हमारे अंदर डीएनए होता है, डीएनए में कोई परिवर्तन होता है तो हमें पता नहीं चलता, पर हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा होता है। उदाहरण तौर पे एक जगह है जापान में, नाम है हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है। सन 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय जापान पे एटॉमिक बम गिराया गया। उस एटॉमिक बम गिराने की वजह से अभी भी वहां के लोग फिजिकल डिसेबल होते हैं, यानी अपंग पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि बम गिरने से, बम में क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है, और न्यूक्लियर मटेरियल क्या किया कि वहां के लोगों के डीएनए को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जिसकी वजह से लोग क्या होने लगे, अपंग के साथ पैदा हो। कोई पैदा हुआ तो किसी का हाथे नहीं है, किसी का पैरे नहीं है, किसी का सर ही नहीं है, ठीक है। ऐसे पैदा होता कि पूरा हिरोशिमा नागासाकी में यही सेंस चल रहा था, लेकिन अब इस समय जाके थोड़ा सा क्या हो गया, वहां कम हो गया है। सोचो हर एक चीज का कितना इंपैक्ट हो, तो वो जो इंपैक्ट था ना वो बहुत फास्ट हुआ था, क्योंकि न्यूक्लियर बम बहुत ही पावरफुल होता है ना, लेकिन जनरली हमारे डीएनए में हमेशा चेंज होते रहता है, हमेशा। जैसे मान चलूंगा, क्या पता आप लोग घर के घर में कुल 4-5-7 पीढ़ी पहले क्या पता कोई मैथमेटिशियन हो, कोई साइकोलॉजिस्ट हो, तो क्या, तो जरूरी नहीं है कि उसके आने वाला बच्चा भी साइकोलॉजिस्ट हो, है ना। जैसे उदाहरण तौर पे हम लोग जब अपने टाइम में 12 पढ़ते थे तो एक गुरुजी थे, वो मैथ पढ़ाते थे, और उन्होंने जिनसे शादी करी थी ना वो इंग्लिश के टीचर थे, और उनका बच्चा जो हुआ ना वो ड्रॉइंग बनाता था। तो कोई लिंक है इनके बीच में, नहीं। तो जरूरी नहीं है कि मैथ्स का अगर टीचर है और उसका लड़का होगा तो वो मैथ्स में ही इंटेलिजेंट होगा, कोई जरूरी नहीं है, वो किसी और डिपार्टमेंट में भी इंटेलिजेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेट होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, वो अपने आप को परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे मान के चलो, क्या पता वो जो गुरु जी थे उनके परिवार में 4-5 पीढ़ी पहले कोई ऐसा रहा होगा जिसको कला बनाने में बहुत मजा आता होगा, ठीक। तो अब वो कैरेक्टर जाके 4-5 पीढ़ी बाद दिख रहा है, और ऐसी चीजें होती हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि जो पोता होता है उसकी उसकी आंखें कभी कभी दादा से मैच कर जाती है, होता है, ठीक है। क्यों? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ ट्रेट, कैरेक्टर ट्रेट। तो देखो कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो विजिबल होगा कि नहीं होगा। तो देखो ट्रेड तो हमेशा ट्रांसफर होते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं, तो जब ट्रांसफर और चेंज होते हैं उसको बोलते हैं जीनोटाइप। और वही कैरेक्टर जब हमको अपनी आंखों से दिखे कि ये सही में ऐसा है, उसको क्या बोलते हैं, तो फेनोटाइप, समझ आया। तो ऐसे कैरेक्टर ट्रेड जो हमें दिखते नहीं है पर हमारे डीएनए के अंदर ऐसे चल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, जीनोटाइप। और ऐसे ट्रेड जो हमको अपने फिजिकल आई से दिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, फेनोटाइप, नहीं। चलो नेक्स्ट है, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, और इन्होंने कुछ काम किया। तो देखिए क्या काम किया, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब, तो इसमें दो तरह की बात आती है, एक और आप कौन जानते हो, जीन्स, सुने हो जीन्स, जीन्स, और जीन्स होते हैं दो तरह के, एक दो तरह के जीन्स होते हैं। जीन्स मतलब क्या होता है, जीन्स एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा मटेरियल है जो डीएनए के अंदर होता है, और पेरेंट्स से यंग वन में क्या होता है,
ट्रांसफर, तो उसको जीन्स कहते हैं। जीन्स दो तरह के, एक होता है रिसेसिव और एक होता है डोमिनेंट। क्या होता है? डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब जो तगड़ा हो, चले जैसे मान चलो, मान चलो कि यहां पे फादर है और यहां पे मदर, फादर से और मदर से ट्रेट आया, ठीक है, ट्रेट आया, तो मान लो फादर की जो बाल थे वो घुंघराले थे, ठीक है, और मदर का जो हेयर वो क्या है, स्ट्रेट था, तभी क्या बोला, ये हेयर वाला ट्रेट है, ये कौन सा ट्रेट है, हेयर वाला, एच एच और एच एच, जब ये दोनों आपस में मिले तो मान चलो कि फादर वाला जो ट्रेट था वो डोमिनेंट हो गया, क्या हो गया, जीन्स क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया मदर वाले पे, तो अब लड़के या लड़की में कैसा बाल दिखेंगे, तो जो विजिबिलिटी होती है ना, जो हमें दिखता है कैरेक्टर पेरेंट्स का या उनके पेरेंट्स का, वो किस वजह से होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव वजह से। कभी कभी क्या होता है, अगर फादर का डोमिनेट कर गया तो फादर के हेयर दिखेंगे, मदर का डोमिनेट कर गया तो मदर के हेयर दिखेंगे, है कि नहीं, पर आते हैं दोनों के, तुम्हारे बॉडी में किसके हैं, दोनों के, लेकिन अभी एक्टिव कौन है, फादर का, तो इस वजह से डोमिनेट कौन है, तो जब फादर का जीन डोमिनेट हो गया तो रिसेसिव कौन है, मदर का, रिसेसिव समझते हो, रिसेसिव जो दब गया, और डोमिनेंट मतलब जो हावी हो गया, समझे भाई ना, चलो लॉ ऑफ डोमिनेंस इसी पे, इसे बताते हैं हम लोग कि कैसे एक करेक्टर एक ट्रेड कैसे दूसरे के ऊपर क्या हो जाता है, हावी हो जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो और दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका मतलब कि जब जब हम इसके बाद मतलब कि इसके अलावा ऐसे जनरली नॉर्मली हम अगर किसी दो जीन्स को आपस में मिला दें तो क्या क्या घटनाएं घट सकती है, उसको करते हैं लोग इंडिपेंडेंट, देखो इंडिपेंडेंट, हम उसको कोई हमारा दबाव नहीं, हम कोई उस पर इफेक्ट नहीं है, वो सब कुछ क्या हो रहा है, अपने से हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और आखिरी में है, लास्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जहां पे हम एक से अधिक बार क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं एक से अधिक बार, पेरेंट्स भी एफ वन में, ठीक है, तो पेरेंट्स कराएंगे क्रॉस तो उसका अलग रिजल्ट निकलेगा, एफ वन क्रॉस कराएंगे तो उसका रिजल्ट अलग निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट है कि मेंडल ने इन तीनों के लिए, ये तीनों नियम के लिए कौन सा डिवाइस लिया, कौन सा मटेरियल लिया, वो लिया पी प्लांट, कौन सा लिया, गार्डन में जो पी उगते हैं ना मटर के पौधे, उन्होंने उसको लिया, और उन्होंने क्या किया फिर इसके ऊपर बेटा, एक्सपेरिमेंट, यहाँ तक कोई डाउट इसमें, नहीं इधर इधर तबिया नहीं जा रही है। नेक्स्ट है क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि हमने दो पी प्लांट को पकड़ लिया, एक कैसा था, दूसरा कैसा था, ड्वार्फ, नहीं रिसेसिव नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ड्वार्फ। तो टॉल प्लांट का ये देखो ना, ये जीन्स है, ये ड्वार्फ प्लांट का क्या है, जीन्स है। अब यहां से ये क्या बन जाता है, गैमेट्स, क्या बोलते हैं इसको, गैमेट, पता नहीं क्या होता है, जब सेक्स सेल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। तो ये है कैपिटल टी और कैपिटल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो दोनों का आपस में क्रॉस होता है, इसको बोलते हैं पेरेंटल क्रॉस। तो सारे के सारे कैसे बनते हैं, ऑल डॉग प्लांट, कैसे, ये वाला टी, तो क्या हो जाएगा टीटी, फिर दूसरा वाला टीटी, तीसरा वाला टीटी, और चौथा वाला टीटी, चारों के इसमें क्या बन गया, यानी कि जो पेरेंट आपस में करेंगे, यानी कि सोचो कि अगर कोई पर्सन है जो टॉल है और कोई पर्सन है ड्वार्फ, ठीक है, अगर वो दोनों आपस में रिलेशन में आते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उनका जो पहला जनरेशन होगा उसको बोलते हैं पेरेंटल क्रॉस, उसमें उनके सारे बच्चों की हाइट क्या होगी, लंबी होगी, लंबी ही होगी, क्यों, क्योंकि इस केस में टॉल प्लांट क्या है, डोमिनेंट, डोमिनेंट, और स्मॉल टी क्या है, नेक्स्ट है, जब हम इनका अब एफ वन कराते हैं, यानी कि अब इनके बच्चों का आपस में क्या कराते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ले लो बच्चों, और कैपिटल टी एक स्मॉल टी ले लो, ले लिया, जब इनका क्रॉस करवाया तो पहला में आया कैपिटल टी, कब दिख रहा है,
कैपिटल टी कैपिटल टी, दूसरे में कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरे में कैपिटल टी स्मॉल टी और चौथे में स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो हमको F1 जनरेशन में जाके ये दिखा कि कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है, यानी कि पायलट में हमको नहीं दिखेगा। भाई देखो जीनोटाइप में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं होता, पायलट क्रॉस में जीनोटाइप परिवर्तन हो रहा है पायलट क्रॉस में, लेकिन जीनोटाइप में कोई परिवर्तन, क्योंकि सारे के सारे प्लांट कैसे हैं टॉल है, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जब पेरेंट उनकी F1 जनरेशन करवाते हैं, उनके बच्चों क्रॉस करवाते हैं, तब हमको दिखता है कि इसके जीनोटाइप में परिवर्तन हो रहा है और फिनोटाइप में। अब देखो ये तीनों कैसे होंगे टॉल और एक क्या निकल जाए, यानी हमको F1 में दिखेगा। तो फिनोटाइप रेशियो कितना है बेटा, 3:1, और जीनोटाइप रेशियो कितना है, 1:2:1। यानी कहने का मतलब ये प्योर था, प्योर ब्रीड का कैपिटल डी कैपिटल डी, तो F1 जनरेशन में हमको एक प्योर ब्रीड का बंदा मिलेगा। एक एग्जांपल बता रहे हैं, तो आपने सुना होगा आर्यंस, नहीं उसको नहीं देखो वो नहीं है, आर्यंस आर्यंस ठीक है। ये पहले बहुत पहले की बात है, हमारे भारत में उत्तरी चोटी की तरफ रहते थे आर्यंस, ठीक है। इनको आर्य, अभी इनको भारत का नाम आर्यावर्त भी कहते हैं, सुना हो कभी आर्यावर्त, वो भी इन्हीं की वजह से। इनकी जो हाइट होती थी ना, जो नॉर्मल हाइट होती थी वो होती 7 फुट 8 फुट, समझ रहे हो, नॉर्मल हाइट मतलब सबसे कम वाली कितनी होती थी। और इनकी आंखें कैसी होती थी, ब्लू आईज, कैसी होती थी, और ब्लू आईज को माना जाता है कि उनकी ब्रीड कैसी है, प्योर है, कैसी है, प्योर। तो प्योर ब्रीड की वजह से क्या होता था ना कि अब वो दूसरों से शादी नहीं करते, क्यों, क्योंकि दूसरी शादी करोगे तो उनका ब्लड क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि दूसरा जींस आएगा आपस में क्या फैल जाएगा, इन्फेक्शन आएगा, इसके चलते उनका विलुप्त हो गया। क्योंकि धीरे धीरे जब उनकी जनसंख्या घटती गई, वो दूसरे कास्ट में चाहे दूसरे लोगों से शादी नहीं करते थे, अपनी बच्चियों का चाहे अपने अपने आप का, जिसके वजह से उनका अस्तित्व धरती से क्या हो गया, समाप्त, ठीक है। और वो प्योर ब्रीड का क्या कहते हैं, प्योर ब्रीड, यानी कि आपके शरीर में केवल एक ही तरह का ट्रेट पाया जाए, बस एक तरह का, उसको प्योर ब्रीड बोलते हैं, है ना। अब देखो अभी क्या है, इस तरह देखो कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे सबकी हाइट छोटी होती जा रही है। ये क्या है, ये निशानी है कि जो जीन्स हो रहा है उसके अंदर क्या हो रही है, बदलाव हो रहा है, अपने एटमोस्फेयर के हिसाब से शिफ्टिंग हो रही है, एटमोस्फेयर का असर हो रहा है ना। अब देखो जनरली क्या होता है कि इसी तरह इसी केस की वजह से बहुत सारे जो यहाँ पे रिलीजियंस है वो आपस में शादी नहीं करते, क्योंकि आपस में शादी करने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जानते हो क्या, जीन्स इन्फेक्शन, जिसको बोलते हैं जीनेटिक इन्फेक्शन। तो जब जीनेटिक इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से जो यंग वन होता है वो मेंटली अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा तो देखे होंगे पाकिस्तान में या फिर इंडिया में, तो हमें नहीं लगता है कि इंडिया में किसी भी मुस्लिम फैमिली में आपस में होता हो, नहीं होता, ठीक है, पाकिस्तान में आपस में हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से उनके उनके अंदर बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होने लगी, बहुत ज्यादा। ये क्या है, जीन्स इंफेक्शन। ये बात जानते हो, मुस्लिम से पहले ये चीज क्रिश्चियंस में थी, बहुत तगड़ी, आपस में शादी करते थे तब उनके पूरे एक लेयर में समाप्ति हो गई, मतलब इतना इन्फेक्शन फैला कि उनकी पीढ़ी खराब हो गई पूरी, जिसकी वजह से वो भी क्या करने लगे, नहीं अब वो भी आपस में, जैसे क्या है ना कि जैसे मान लो गुप्ता है और ये भी गुप्ता है, तो ये आपस में जल्दी शादी नहीं करते। अब जो गुप्ता है और वो है मधेसिया, ऐसे शादी नहीं, समझे, पंडितों में तो बहुत ज्यादा है, पंडित में कभी भी सेम गोत्र में शादी नहीं करते, कभी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है जींस का असली चीज, क्योंकि सेम गोत्र हो जाएगा, सेम जींस हो जाएगा, आपस में टकराव, समझ रहे हो,
इस चीज की अहमियत अभी पूरी दुनिया को नहीं मालूम है। अब जिस जी को इसको मान चली, अंग्रेजों को पास चली, देखो सुधर गया सब, ठीक है। जैसे जैसे नॉलेज होगा वैसे वैसे सही हो जाएगा, क्योंकि एक बार जीन्स में इन्फेक्शन हो गया ना तो 300 400 साल के लिए अस्थिर। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया वाले लंबे लंबे होते हैं क्या? इंडिया वाले सामने सीने तक बसाते हैं। प्लस उसमें एक और चीज है, क्लाइमेटिक कंडीशन। हमारा जो क्लाइमेट है ना इंडिया का, वो उस टाइप का नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा आप ग्रो कर पाओ, तो इसलिए लंबे लोग रहेंगे यहाँ पे, लेकिन बहुत लंबे आपको नहीं दिखने होंगे। हाँ, कम आबादी है, ठीक है। यहाँ पे जनरल अब हाइट हो गई है बॉयज में 5 फुट 6 फुट, जो जनरल हाइट है 5 फुट और 6 फुट, और गर्ल्स में 4 फुट 5 फुट जो जनरल हाइट है। नहीं, ये इसमें हंसने की बात नहीं, ये जेनेटिकल है और ये अभी घटते जाएगा और एक समय आएगा तुम लिलीपुट हो जाओगे, सब कुछ गुलीवर ट्रेवल्स, याद है गुलीवर ट्रेवल्स? ये समय है बच्चे, ये पार्ट हो गया समाप्त, अब हम बात करेंगे इसे सेकंड। बेटा हमें लगता है कि आपको शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जितने अच्छे हैं इसकी समझ आपको नहीं है। अगर बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, तो इसमें है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि मेंडल ने जब पहला एक्सपेरिमेंट किया था अपना, तो उसमें पी प्लांट की हाइट को लेके बात की, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट या ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर केवल एक ट्रेड की बात की जाए, बस सिंगल ट्रेड की, तो उसको हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब पेरेंट्स से बस एक ट्रेड उनके यंग वन में ट्रांसफर होता है, वो नियम को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। और जब पेरेंट्स से एक से अधिक हो, मतलब एक से अधिक ट्रेड का ट्रांसफर हो और वो ट्रेड डिसाइड ना हो कि कौन सा हो सकता है, मतलब पता नहीं चले कि क्या हो सकता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट। सेग्रीगेशन का मतलब वन ट्रेड, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब एक से अधिक, ठीक है। वन ट्रेड का एग्जांपल दिया मैंने यहां पे, जब हमने सिंगल टॉल प्लांट और ड्रॉप प्लांट का क्रॉस करवाया था। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो जब हमने दो तरह का मटर लिया, एक राउंड ग्रीन सीड्स जो राउंड मतलब गोल हो, हरा रंग का हो, और हरा का सीड देखे हो ना जो मार्केट में मटर मिलता है पी, और एक रिंकल येलो सीड्स, यानी कहने का मतलब जिससे छोले बनते हैं, वो वाला पीला रंग का होता है ना, सिकुड़ा सिकुड़ा होता है। तो दो तरह के मटरों का आपस में क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया। क्रॉस कराने के बाद F1 में देखो ये इनके गैमेट्स हैं, R R Y Y, कैपिटल R कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल y, और स्मॉल R स्मॉल R, कैपिटल Y कैपिटल Y, इनका गैमेट्स कैसे बनेगा, तो एक R और एक Y, और इनका कैसे बनेगा, एक R और एक Y, ठीक है। जब इनके क्रॉस कराया गया तो हमको क्या मिला, R R Y Y, और ऐसे करके टोटल हमको 16 केस मिले, कितने, 16 केस, क्योंकि ये क्या था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि हमने कुछ तय नहीं करा था, ये क्या है, सब कुछ अपने से निकल के आ रहा है, तो इंडिपेंडेंट है, तो 16 केस मिले। 16 केस में हमको 9-3-3-1 यानी 9:3:3:1 मिला। तो जब इसको क्रॉस कराया ना, तो जानते हो क्या मिला हमको, निकल गया है राउंड येलो, क्या निकल गया है, राउंड येलो। फिर दूसरा निकल गया है राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। तीसरा आया रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन आया, ये आया। तो टोटल 16 केस में 9 बार ऐसा हुआ कि हमको क्या मिला, राउंड येलो, 3 बार ऐसा मिला राउंड ग्रीन, 3 बार मिला हमको रिंकल येलो, और 1 बार मिला हमको रिंकल ग्रीन।
समझ आया? तो ये था हमारा फिनोटाइप, समझ आया? किसी दिक्कत इसमें? ये था बेटा हम लोग का डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब इसके अंदर आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है? कैसे फिलअप करोगे? तो इसमें लोगे आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, यानी एक इसको ले लेंगे और दूसरा, और फिर इनको क्रॉस कराएंगे, टेबल कंप्लीट करेंगे और हमको रेशियो मिल जाएगा 9:3:3:5। क्लियर? ये था हम लोग का डाइहाइब्रिड क्रॉस। कोई समस्या आपको बेटा? फिनोटाइप वो हमको दिखेगा ना बेटा कि, अब देखो हमने राउंड ग्रिल लिया था और रिंकल ग्रिल लिया था, लेकिन देखो राउंड ग्रिल निकल गया। जब मटर पैदा होगा तो हमको दिखेगा कि गोल है और पीला रंग का है, जबकि हमारे पास पैरेंट में क्या था? रिंकल था, लेकिन निकल के क्या आया? राउंड, अंदर दिखा। उसके बाद राउंड ग्रीन, तो राउंड ग्रीन था पहले से पैरेंट, रिंकल येलो पैरेंट, और रिंकल ग्रीन कहीं है रिंकल ग्रीन पैरेंट में, ये नई चीज है। तो हमको राउंड येलो और रिंकल ग्रीन एक नई चीज हमको है। ओके, तो ये था हमारा डायरेक्ट क्रॉस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये जाता है खत्म, ठीक है? इसका कंक्लूजन क्या है कि राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स। तो जो राउंड है ना, राउंड है और येलो है, ये क्या है? डोमिनेंट है, इसी वजह से इनका वर्चस्व ज्यादा है, तो इनका रेशियो में कितना भाग है? 9, इसीलिए। दूसरा है occurrence of new phenotyping combination so that genes for round yellow and round seeds are edited independently। और ये चीजें फिक्स थी, हमको पता था कि कितना होगा, ये चीज इंडिपेंडेंट थी, इसलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? ये हो गया बेटा सब। चलिए तो हम लोग अब बात करेंगे सेक्स डिटरमिनेशन की, ठीक है? यानी कैसे पता चलेगा कि जो यंग वन पैदा होगा, सेक्सुअल की बात हो रही है, सेक्सुअल में कि जो यंग वन पैदा होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा। इसके लिए दो तरीके हैं, एक एनवायरमेंट, एक जेनेटिक, ठीक है? एनवायरमेंट वाला क्या है? एनवायरमेंट का मतलब एनवायरमेंट की गर्मी से, गर्माहट से पता चलती है, उसकी नेचर की स्थिति से पता चलती है, टेम्परेचर पता चलता है कि वो मेल हुआ कि फीमेल हुआ। एग्जांपल है कि टर्टल, टर्टल समझते हैं? कछुआ, कछुए का जो अंडा होता है ना, वो उसको ऐसे टेम्परेचर में रखोगे, टेम्परेचर से उसमें जनरेशन होगा। अगर आपने ठंडे जगह में रख दिया तो फीमेल निकलेगी, अगर आपने गर्म जगह दबा के रखा तो मेल निकलेगी। टेम्परेचर का असर, इसको कहते हैं सेक्स डिटरमिनेशन ड्यू टू एनवायरनमेंट, ठीक है? नेक्स्ट है जेनेटिक। जेनेटिक क्या होता है? जेनेटिक मतलब जिसमें पेरेंट से यंग वन में ट्रांसफर हो जीन्स, क्या ट्रांसफर हो? जीन्स। और जीन्स के अंदर ऐसा क्या होता है जो ट्रांसफर होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो ये एक ऐसा मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, जिसके अंदर पेरेंट्स के पूरा डेटा होता है, ठीक है? और वो जब शिफ्ट होता है, आपस में मिलता है, तो क्या बनता है? नए बेबी के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है? क्रोमोसोम्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह, मतलब टोटल, मैंने कहा जाएगा तो टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने? 23 पेयर, यानी 46 पीस। उसमें से जो 22 पेयर होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोसोम्स। और जो वन पेयर बचता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्स क्रोमोसोम्स। क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि मेल हुआ कि फीमेल। तो अब ये जो एक पेयर क्रोमोसोम्स हैं, ये मेल से भी आते हैं और फीमेल से भी आते हैं, मेल से भी आते हैं और फीमेल से भी। तो मेल से जो आने वाले क्रोमोसोम्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं एक्स और वाई, और फीमेल से एक्स और एक्स। तो यहां से जब गैमेट बनता है तो एक्स इधर, वाई इधर, एक्स इधर और एक्स इधर। अब जब आपस में क्या करते हैं भाई? क्रॉस। तो यहां से क्या बन जाएगा? एक्स एक्स, और यहां से क्या बन जाएगा? वाई, ठीक है? जहां पे एक्स एक्स अगर आ गया तो कौन होगा?
और एक्स वाई आ गया तो वाई, ये सेक्स डिटरमिनेंट। ठीक है, कौन डिसाइड करता है? एक पेयर का नाम है सेक्स, वो डिसाइड करेगा कि मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, फीमेल। समझ में आया? किसी कोई डाउट है तो पूछ लो, है नहीं है? नो